गुड मॉर्निंग हम अपने अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं जो हम स्टार्ट कर रहे कर चुके थे अपना रिवीजन क्लास यूनिट थ्री का तो चार क्वेश्चन हमने अभी तक देखे पांचवा क्वेश्चन भी आप देखेंगे तो लगभग वैसा ही है क्या कह रहा है फाइंड द पोल्स एंड जीरोज एंड द यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन जी एस इज टू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस एस प्लस वन चूंकि कह रहा है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन नहीं कह रहा है ट्रांसफर फंक्शन कह रहा है इसलिए दिस नथिंग बट द सी एस ओवर आर एस राइट अब इस सिस्टम का हमें पोल्स फाइंड आउट करना है जीरोस फाइंड आउट करना है और यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है तो पोल्स और जीरोस आपको पता है कि जो वैल्यू uh, सिस्टम को जीरो के इक्वल कर दें वो ज़ीरोस कहलाती हैं और जो वैल्यू सिस्टम को इनफाइनाइट तक ले जाएँ वो पोल्स कहलाती हैं तो एस की वो वैल्यूज़ हमें पता करनी है जिस पर सिस्टम ज़ीरो हो जाए और एस की वो वैल्यूज़ पता करनी है जो सिस्टम को इनफाइनाइट की ओर ले जाए तो वो पोल्स एंड जीरोज़ हो जाएंगे तो देखो ऊपर जो न्यूमरेटर टर्म है उसको ज़ीरो के इक्वल किया तो हमारे पास ज़ीरो आ गया सिस्टम का एस इज़ इक्वल टू माइनस टू पोल्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको जीरो को इक्वल किया तो यहाँ हमें पोल्स मिल गए यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स पोल्स दिख रहे हैं ठीक उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पोल्स हमारे कॉम्प्लेक्स हों रियल हों कैसे भी हों सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि पोल्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्लेन होने चाहिए तो यहाँ देखिए आपके जो पोल्स हैं उसका रियल रियल पार्ट क्या है माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट फाइव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन राइट ना रेस्पॉन्स सिस्टम का रेस्पॉन्स क्या होगा तो सी एस बाई आर एस हमें पता है यूनिट स्टेप इनपुट होगा तो आर एस क्या बन जाएगा वन बाई एस और उसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो सिस्टम के साथ तो आपका क्या रेस्पॉन्स आ जाता है सी एस इज इक्वल टू वन बाई एस एस प्लस टू डिडेड अब इसको हम क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करने के बाद इसको जब हम इनवर्स uh, लाप्लास लेते हैं तो हमारे पास जो सिस्टम आ जाता है रेस्पॉन्स वो ये बन के आ जाता है टू माइनस टू ई रेस टू माइनस टी बाई टू कॉस अंडर रूट थ्री टी बाई ठीक तो हमें इतना ही काम करना था रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना था अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ सी सी एक कांस्टेंट टर्म है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच द स्टेप रेस्पॉन्स ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है कह रहा है कि हमें सी की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है इस सी की वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है जिस पर आपका जो स्टेप रेस्पॉन्स होगा इस ट्रांसफर फंक्शन का स्टेप रेस्पॉन्स मींस जब हम आर एस को वन बाई एस पुट कर देंगे तब जो सी एस होगा उसमें एक ओवरशूट होगा एक ओवरशूट होगा ओवरशूट शूट मीन्स कि उसकी एक पीक वैल्यू होगी ठीक है ओवरशूट अभी तक हमने क्या देखा था हमने ये देखा था कि अगर आपका रेस्पॉन्स टाइप का आपका चलता है ठीक ना इस टाइप का रेस्पॉन्स आपका चलता है तो जहां पर मैक्सिमम वैल्यू ये गेन करेगा चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो जो मैक्सिमम वैल्यू वो गेन करेगा किससे नॉमिनल वैल्यू से जो नॉमिनल वैल्यू से वो मैक्सिमम वैल्यू गेन करेगा मैक्सिमम हाइट गेन करेगा वही क्या कहलाता है ओवरशूट राइट right? तो उसके लिए हमें क्या करना होता है जो रेस्पॉन्स है उस रेस्पॉन्स का मैक्सिमा कैलकुलेट कर लेते हैं और जो हमें मैक्सिमा मिलता है वही क्या कहलाता है मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ पीक ओवर शूट राइट तो यहाँ क्या कह रहा है यहाँ ये यह कह रहा है कि हमें सी की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पर हमें इसका स्टेप रेस्पॉन्स में एक ओवर शूट मिले ठीक है तो बेसिकली करना क्या है आपको इस सिस्टम का स्टेप रेस्पॉन्स फाइंड आउट करना है और उसके स्टेप रेस्पॉन्स को आपको मैक्सिमा एक कैलकुलेट करना है तो मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा जिसमें आता है कैलकुलस के अंदर तो वहाँ आपने देखा होगा कि जिस जब भी हम मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं जो हमारे पास फंक्शन दिया रहता है उसको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट कर देते हैं अब जिस वैल्यू पर हमारा वो ज़ीरो के इक्वल आता है वेरिएबल के जिस वैल्यू पर हमारा जो वैल्यू है मैक्सिमम वो ज़ीरो आता है वही हमारा क्या कहलाएगा मैक्सिमा ठीक तो वही काम हमें यहाँ भी करना है तो यहाँ क्या दिया हुआ है सी एस बाई देखिए पहले तो हम इसको क्या करेंगे आर एस से मल्टीप्लाई कर देंगे आर एस क्या है वन बाई एस तो वन बाई एस से मल्टीप्लाई करते ही हमारा जो रिस्पॉन्स है वो ये बन जाता है फिर इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इसको हम अलग अलग लिख लेंगे अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सी गिवन है ये कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है ये वेरिएबल दिया हुआ है तो जब तक यहाँ वेरिएबल है तब तक हम पार्शियल फ्रैक्शन ईजिली नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं उसका दूसरा तरीका हमारे पास है दूसरा तरीका क्या है आपको ये पता है कि अगर कोई फंक्शन एफ टी आपके पास है इसका आपने लाप्लास लिया क्या बन गया एफ एस क्लियर है ना अब अगर आपको इसका डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एफ डैश टी और इसका लाप्लास क्या होगा एस एफ एस इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एफ एस है तो इसका इनवर्स लाप्लास एफ टी होगा लेकिन अगर हमारे पास एस एफ एस है तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ टी ध्यान देना अगर हमारे पास एफ एस है तो इस एफ एस का इनवर्स लाप्लास एफ टी होगा लेकिन अगर एस एफ एस है तो इसका इनवर्स लाप्लास क्या होगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ टी तो यही चीज हम यहां पर यूज करेंगे क्योंकि फंक्शन हमें ऐसा ही दिख रहा है यहां पर आप फंक्शन ध्यान से देखिए क्या लिख रहा है वन प्लस सी एस तो टू को हमने कॉमन कर लिया और टू को कॉमन करते ही हमें क्या मिल गया एक वन और एक सी एस तो वन डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू फिर टू सी इंटू एस इंटू वन डिवाइडेड बाई एस प्लस वन एस इंटू एस प्लस टू राइट अब मेन फंक्शन यहाँ हमारा क्या है मेन फंक्शन है वन बाई एस एस प्लस वन एस प्लस टू इसी को जब हम इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो इनवर्स लाप्लास लेने पर एफ टी जो हमारा बन के आएगा वो एफ टी देखो यहाँ पर लाप ये बन के आता है जीरो पॉइंट फाइव माइनस ई रेज टू माइनस टी प्लस जीरो पॉइंट फाइव ई रेज टू माइनस टू टी ये कैसे आया बहुत आसान है अभी तक आपने वही काम किया है एफ एस का आपने पार्शियल फ्रैक्शन लिया पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद वो इस टाइप के फॉर्म में आ जाता है इसको आपने सिंपल इन्वर्स लाप्लास ले लिया जो आपका वन बाई एस का टर्म था वो यूनिटी बन जाता है जो एस प्लस वन होता है डिनोमिनेटर में ई रेस टू माइनस टी देता है डिनोमिनेटर में एस प्लस टू है तो ये ई रेस टू माइनस टू टी देगा राइट तो यहाँ से आपका एफ टी कैलकुलेट हो जाता है एक टर्म हमारे पास यहाँ पे है सी एस में एस एफ एस ये एस एफ एस हमें कैसे फाइंड आउट होगा इस एफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव तो इस एफ टी का फर्स्ट डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ जाता है इसका ई रेज टू माइनस टी माइनस ई रेज टू माइनस टू टी देखिए हम करके दिखाते हैं एफ टी है आपके पास जीरो पॉइंट फाइव माइनस ई रेज टू माइनस टी प्लस जीरो पॉइंट फाइव ई रेज टू माइनस टू टी है जब हम एफ डैश टी कैलकुलेट करते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म है इसका जीरो हो जाएगा यहाँ ई रेज टू माइनस टी है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस टी और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस ई रेस टू माइनस टी देन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है इसका जब आप डेरिवेटिव uh, लेंगे तो ये माइनस टू ई रेज टू माइनस टू टी बनता है तो माइनस टू इंटू जीरो पॉइंट फाइव वन ई रेज टू माइनस टू टी तो फाइनली क्या आया ई रेज टू माइनस टी ई रेज टू माइनस टू टी इसी को हमने पुट कर दिया है अपने इस जो सी एस रिस्पॉन्स आ रहा है इसके अंदर ठीक तो है तो सी टी क्या बनेगा टू एफ टी प्लस सी टी यहाँ से हमारा क्या बनेगा टू एफ टी प्लस टू सी एफ डैश टी क्लियर है तो एफ टी हमने यहाँ पुट कर दिया टू एफ टी हमने यहाँ पुट कर दिया प्लस टू सी एफ डैश टी हमने यहाँ पुट कर दिया और उसको फिर सिंपलीफाई कर लिया तो आपका जो इक्वेशन बन के आता है वो ऐसा आता है ठीक क्लियर है नाउ अब हमें क्या करना है इसका मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमा फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि हम पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और उसको जीरो के इक्वल करते हैं तो देखो यहाँ हमने क्या किया है डी वाई डी टी ऑफ सी टी इज इक्वल टू ज़ीरो तो डी वाई डी टी ऑफ सी टी अगेन या कॉन्स्टेंट टर्म है जीरो ये माइनस टू ई रेज टू माइनस टी है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू ई रेज टू माइनस टी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है माइनस आ जाएगा और टू बाहर आएगा ही ई रेस टू माइनस टू टी यहाँ पर टू सी ये माइनस टर्म बाहर आ जाएगा माइनस टू सी ई रेस टू माइनस टी यहाँ माइनस है यहाँ से एक माइनस आ जाएगा फोर सी ई रेस टू माइनस टू टी इज इक्वल टू जीरो थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करोगे तो क्या बन के आ जाएगा ई रेस टू माइनस टी वन माइनस सी प्लस ई रेस टू माइनस टू टी टू सी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो ठीक है तो आपको सी की वैल्यू पता करनी है जहां पर सिस्टम का जो रेस्पॉन्स होगा यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स होगा उसमें एक ओवरशूट होगा ठीक ना तो सी की किस वैल्यू पर यहाँ ओवरशूट आ रहा है यही पता करना है तो इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहां से ई रेस टू माइनस टी बन के आता है वन माइनस सी बाई वन माइनस टू सी और सी माइनस वन बाई टू सी माइनस वन क्लियर है तो ई रेज टू माइनस टी को हमें जीरो और वन के बीच में अगर रखना है फाइनाइट रखना है तो जो सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी सी मस्ट बी ग्रेटर देन वन ठीक है यही आपका सल्यूशन होगा कि सी की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन वन होनी चाहिए क्लियर है अब नेक्स्ट uh, क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे